प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज छोले भटूरे बनाएंगे। पहले भटूरे के लिए आटा गूंद लेंगे। उसके लिए जो सामग्री चाहिए, एक कप मैदा लिया है, एक दो स्पून ऑयल, तीन स्पून दही, एक चिटकी बेकिंग सोडा, स्वाद अनुसार नमक, तीन स्पून सूजी लिया है। अभी मैदे को छान लेंगे, उसी में सोडा डाल के छान लेंगे। देखिए ऐसा। अब इसमें दही, सूजी, नमक, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको आटा को गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। देखिए ऐसा। देखिए आटा गूंद गया है। ऊपर से थोड़ा ऑयल लगाएंगे क्योंकि आटा सूख ना जाए, इसलिए ऑयल लगाते हैं। तो अभी एक प्लेट ढक करके 3 घंटे के लिए रख देंगे। छोले बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, छोले को 5-6 घंटा भिगा के लिया है, 1-4 टमाटर, 2 लवंग, दालचीनी 2 पीस, इलायची 3 इलायची लिया है, 1 स्पून सौंफ, 1/2 स्पून आमचूर, हल्दी 1/2 स्पून, छोले 1 केवी जितना, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, राई, छोंक के लिए ऑयल, कड़ी पत्ता, स्वाद अनुसार नमक, धनिया थोड़ा काट के लिया है गार्निश के लिए, जीरा, ग्रीन मिर्ची 2, अदरक 1 इंच। अभी मिक्सी जार में टमाटर डाल रही हूँ, अदरक डाल रही हूँ, मिर्ची डाल रही हूँ। अभी इसको पीस लेंगे। देखिए ऐसा। उसी में चना डाल के नाइस पेस्ट कर लेंगे। देखिए ऐसा। अभी एक कटोरी में धनिया पाउडर डाल रही हूँ, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी। अभी थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। इससे रंग अच्छा आता है, इसलिए मिक्स करके, पानी में मिक्स करके डाल रही हूँ। अभी एक कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। तेल गर्म होने के बाद राई, दालचीनी, लवंग, तेज पत्ता, सौंफ, जीरा, कड़ी पत्ता, इलायची। अभी इसको 30 सेकेंड्स के लिए ऐसा भून लेंगे। जो घोल बना के रखा था ना, वो भी इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, ये थोड़ा सा पकने देंगे। देखिए तेल छूट रहा है। अभी जो पीस के रखा था ना टमाटर, अदरक, मिर्ची, वो भी इसी में डाल रही हूँ। मिक्स कर लेंगे।
देखिए मसाला कितना अच्छा रेडी हो रहा है। स्वाद अनुसार नमक, आमचूर डाल रही हूँ, देखिए कितना अच्छा मसाला रेडी हो रहा है। जो बॉईल करके रखा था ना चना, उसको डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अभी थाली बंद करके 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। देखिए देखिए 5 मिनट हो गया है, छोले तैयार हो गया है। अभी इसको सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। गार्निश के लिए धनिया डाल रही हूँ। अभी देखिए भटूरे का आटा भी तैयार हो गया है। इसको ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, अभी इसका लोई बना लेंगे। देखिए ऐसा लोई के ऊपर क्रैक नहीं रहना चाहिए, ऐसे देखिए ऐसा करके लोई बनाएंगे, क्रैक नहीं रहना चाहिए। ऐसा सब बना लेंगे। अभी तेल गरम करने रख दिया है, अभी एक लोई लेकर के बेल रही हूँ। देखिए तेल गरम हो गया है, भटूरा तेल में डाल रही हूँ। कितना सुंदर फुला फुला भटूरा तैयार हो गया है। देखिए इसको घुमा देंगे, निकाल देंगे। दूसरा भी मैं दिखा रही हूँ। देखिए ऐसा बेल के तेल में डाल रही हूँ। दोनों हाथों से पकड़ के डालना, नहीं तो उड़ेगा तेल। देखिए कितना सुंदर फूला फूला भटूरा तैयार हो गया है। अभी सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। छोले भटूरे रेडी।